नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी के थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ, और मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करता हूँ। तो उसका आज का परफॉर्मेंस कैसे रहा तो आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे इफेक्टिवली काम करता है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर देता हूँ और बाय सेल लेवल का रिकमेंडेशन, इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का रिकमेंडेशन देता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो उसका वो देख के आप लोग 90% के ऊपर एक्यूरेसी के साथ आप लोग ट्रेड कर सकता है, और बहुत सारा चीज़ सीखने का भी है, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, हाउ टू टेक सेफ एंट्री, पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ जो स्टॉक मार्केट में जानकारी का ज़रूरत होता है, तो वो मैंने शेयर किया करके रखा है जितना मेरा नॉलेज में है। तो इसीलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं जो बाय सेल लेवल कम स्किनर बनाता हूँ, इसमें बाय सेल लेवल दो फाइल मैंने शेयर करता हूँ। इसका ये आप लोग पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को मेरा यूट्यूब वीडियो का लिंक में मिल जाएगा, इस और सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का भी लिंक भी वीडियो पे लिंक कर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब का वीडियो यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक है और वीडियो का लिंक है जो आप लोग देख सकते हैं। और इसमें देखिए बाय सेल लेवल वन, बाय सेल लेवल मैंने दो फाइल शेयर करता हूँ, बाय सेल लेवल कम स्किनर और बाय सेल लेवल थ्री। बाय सेल लेवल कम स्किनर में बाय सेल लेवल वन रहता है, टू रहता है और थ्री रहता है, आप लोग कोई भी इसमें काम कर सकता है, और बहुत सारा इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स रहता है जो देख के आप लोग ट्रेड कर स्क्रीनिंग कर सकता है। मेरा अगला वाला वीडियो सब देख लीजिए, तो इसमें आप लोग को पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। और बाय सेल लेवल थ्री में बाय सेल लेवल थ्री रहता है। तो देखते हैं आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा। मैंने डाउनलोड कर लिया, मेरा कल जो फाइल डाउनलोड किया था, कल जो फाइल शेयर किया था उसको डाउनलोड किया, उसके बाद आज का करंट मार्केट प्राइस बैठा दिया मैंने। तीन बजे के बाद मैंने डाउनलोड मतलब उठाया, डाटा ले लिया, तो उसके बाद मैंने इधर फार्मूला दिया हूँ कि मेरा बाई जो हाई करंट हाई है वो का जो बाई मेरा बाई का लेवल था उसके हाई होना चाहिए, और जो करंट लो है उसका मेरा सेल का लेवल से लो होना चाहिए, ऐसे करके मैंने फार्मूला दिया है। तो इधर मैंने बाई सेल लेवल वन में मैंने दिखाया और बाई सेल लेवल थ्री में भी दिखाऊंगा। तो देखिए मेरा पहले मैंने जो स्क्रीनिंग कर जो शेयर फाइल शेयर करने के बाद मैंने कुछ जो मैं आप लोग तो मैं भी कुछ रिकमेंडेशन देता हूँ रेगुलर बेसिस पे जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे है, तो फिर सर्विस ले चाहते हैं और फ्री ट्रायल के लिए जो लोग ऑफिसर ग्रुप पे है इधर मैंने देखे रखा। देखिए अदानी एंड और फार्मा जे एस डब्ल्यू स्टील जस्ट मैंने एक दो करके दिखाता हूँ, अदानी एंड को मैंने दिखाना चाहता हूँ। देखते हैं अदानी एंड देखिए 216 इधर बाई का लेवल आया नहीं था और 279 इधर सेल का लेवल आया है। देखते हैं इसमें कहाँ पर सेल का लेवल था, सेल का लेवल था 214 से, उसके बाद चार्ट में एक बार देखना पड़ेगा इधर कहाँ पर ओपन हुआ था और कैसे आप लोग ट्रेड ले सकता है नहीं ले सकते थे। हो सकता है मैंने तो जब वीडियो बनाता हूँ डेस्क मैंने जब ऐसे लेवल देता हूँ आप लोग को बोल देता हूँ कि ऐसे ऐसे ट्रेड करना है कि इसके लेवल के ऊपर ऊपर ओपन होगा तो इस नेक्स्ट लेवल देखना है, उसके ऊपर ओपन होगा तो नेक्स्ट लेवल देखना है, तो इसीलिए आप लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए 214 में ओपन होने के बाद ये 216 आ गया था, इसका बाय लेवल नहीं आया था। मैंने चार्ट ओपन करता हूँ, उसके बाद देखिए बोलो इसका बाई का लेवल नहीं आया था क्योंकि बाई का लेवल था इसका 216.95, तो 216.95 जस्ट टच किया है, उसके ऊपर नहीं जा गया पाया। और आप लोग भी इधर से देख सकता है ये कारकाल का ही हाई लो क्लोज के ऊपर, ये हाई लो उसके ऊपर ये फाइल बनाया गया है। तो इधर देखता है बाई सेल लेवल 214.85 से लेके 214.85 के नीचे ये नीचे आया है, 200 फर्स्टली तो 211 उसके बाद 209 तक इसको लो 207 तक इसका लो आ गया था।
तो इस इधर और इस फाइल से देखते हैं, इस फाइल से मतलब जो बाइसल लेवल 3 है उसमें अदानी एंड का परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। इधर 225 का बाई का लेवल था और 215 इसका सेल था। ये आप लोग 211 फास्ट 11 बजे के अंदर आप लोग 207 में आ गया था। उसके बाद और भी देखते हैं और कौन सा था देख लेते हैं। देखिए और फार्मा, जे एस डब्ल्यू स्टील, इक्विटास, इंडियाबुल्स हाउसिंग फिनेंस, मैंने एक एक करके दिखा था, सब नहीं दिखा पाऊँगा, एक दो ही दिखाऊँगा। अदानी एंड दिखा था, हो गया। उसके बाद और फार्मा देखते हैं, और फार्मा देखिए बाइसल लेवल इधर बाइसल लेवल 1 में बाइसल लेवल दोनों साइड में ही दिखाता है, मैच किया है। 471 आ गया था, 463 लो गया है। तो इधर देखते हैं कौन सा लेवल था और फार्मा का, और फार्मा का लेवल था 469.85, इसका बाई लेवल था 467.27, इसका लो गया था। तो देखते हैं और फार्मा कौन सा लेवल पे ओपन हुआ है, और फार्मा कौन सा लेवल पे ओपन हुआ था, 469 पे ओपन होने के बाद ये 471 गया था। तो आप लोग इधर से 469 इधर से आप लोग एंट्री ले सकते थे, 469.85 इसका बाई लेवल था, कि 490 या 470 ही पकड़े तो ऑन पॉइंट भी तो आप लोग को आ जाता था। उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल में आया था 400, जब नीचे का लेवल आया था 467.25, सोच लिए 25 ही पकड़ता हूँ, या 467 के नीचे ये 463 तक तो फर्स्ट आवर में आ गया था, 463 तक आ गया था। तो इसके बाद इधर इस फाइल में भी एक बार देख लेते हैं, आप लोग इस फाइल यूज़ करते थे तो क्या होता था। इस फाइल में आप लोग को आरो फार्मा 480 बाई का लेवल था, 467 सेल का लेवल था। तो इसके बाद देखते हैं आरबीएल जे एस डब्ल्यू स्टील एक बार देख लेते हैं। जे एस डब्ल्यू स्टील में इसका जे एस डब्ल्यू स्टील देखते हैं। जे एस डब्ल्यू स्टील 266.30 ही पकड़ी है, 250 ही पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5-10 पॉइंट ऊपर रखना ही सेफ रहता है। और जे एस डब्ल्यू स्टील के इसका 263 के ओपन हुआ था, उसके बाद ये हाई गया था, नीचे का लेवल पहले आया नहीं था शायद, नीचे का लेवल था। उसके देखिए 80 उस पहले 267.80 तक ये ऊपर गया आप गया था, और डाउन साइड में आप लोग देख लिया है 266 के बाद इधर ये 262.95 तक आया था। और इसके बाद देखता है इंडिया बुल हाउस इसका इधर भी देख लेता है एक बार, जे एस डब्ल्यू स्टील इधर भी देख लेते हैं। इधर 275 इसका बाई का लेवल आया नहीं था, 265 का सेल लेवल था, तो सेल लेवल में ये 263 तक 295 पकड़ी है, तो उधर इसका लेवल आ गया था 264। और उसके बाद देखते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस देख लेता है एक बार। इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस में 300 के ऊपर बाई लेवल था, 296 के नीचे सेल लेवल था। इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस इसमें नहीं है, देख लेते हैं, इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस ऑलरेडी है तो इधर इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस ओपन हुआ था 296 के ऊपर, उसके बाद 313 आ ही गया था। देखते हैं फर्स्टली तो नीचे नहीं आया था, नीचे का लेवल था 296.70 और ये ओपन हुआ था 296.90 में, तो इससे ऊपर ही गया था। उसके बाद ऊपर गया था, पहले तो 300 के ऊपर बाई का लेवल था, 300 के ऊपर बाई का लेवल था, 300 के ऊपर बाई का लेवल था, तो 300 के ऊपर पहले तो 306 मार दिया था, उसके बाद 309, उसके बाद 312, 313.50 तक ऊपर गया था। और इधर सेल में सेल का लेवल शायद आया नहीं है, सेल का लेवल 296.70 के नीचे, 296.70 के नीचे ज़्यादातर आया नहीं है,